राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे के बीच जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा में यूपी पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस मामले में संदिग्धों की धरपकड़ जारी है और सोमवार को हिंसा में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इस बीच पुलिस ने बताया कि हिंसा में कथित तौर पर शामिल प्रमुख आरोपियों के होल्डिंग्स बनाए गए हैं और इन्हें प्रभावित इलाकों और आसपास के इलाकों में प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा। पुलिस को इस हिंसा के मामले में PFI का हाथ होने का भी शक है। आपको बता दें कि पुलिस कानपुर हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड हयात और इसके अलावा जावेद ईशान के PFI कनेक्शन की जांच कर रही है। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि हयात के मोबाइल में 140 व्हाट्सएप ग्रुप थे और उसके पास 6 मोबाइल थे। इस बीच पुलिस ने पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया है जहां से आरोपियों ने तेल भरवाया था। तो वहीं कानपुर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दंगाइयों की फोटो वायरल की है। इससे पुलिस ने नंबर जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि इन लोगों से संबंध में पुलिस को सूचना दे, जल्द ही यह पोस्टर शहर के सड़कों पर भी लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।